तो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल्थ पॉइंट तो आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं लवली इनू कॉइन के बारे में तो गाइज लवली इनू कॉइन रिटेट बहुत सी अपडेट्स फिलहाल में निकल के आ रही हैं जो कि आज की डेट में मैं आपको बताने वाली हूँ आगे चलिए ये टोकन और आगे क्या करेगा कि आप लोग को पता ही है कि ये टोकन तो हम लोग के साथ वैसे ही स्कैम कर चुका है स्कैम नहीं बोलेंगे एक तरीके से बोला जाए कि धोखा दे चुका है बट आगे हम लोग को इससे कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं या फिर क्या हो सकता है इस कॉइन में कुछ ना कुछ तो वो सारी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे तो चले बढ़ते हैं वीडियो में आगे उससे पहले अगर आप चाहे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट्स मिलते रहे और आप क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा सा प्रॉफिट अर्न कर सको तो चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं लवली यूनो फाइनेंस के बारे में तो पहले कुछ प्राइस के बारे में डिस्कस कर लिया जाए तो आप इसका प्राइस देख सकते हो गए जीरो पॉइंट सिक्स जीरो वन वन थ्री डॉलर के अराउंड में सी आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है यानी कि बहुत दिनों पहले इन्होंने वादा किया था कि हम इतने ज़ीरो स्किल करेंगे बट कुछ नहीं हुआ आ, कोई बात नहीं अब आगे हम लोग जानते हैं कि आखिर आगे भी कुछ कर सकता है कि नहीं जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो ये है लवली इनू फाइनेंस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल तो ये कुछ है इसके गिवेज वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ये ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह हैं जिसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है वैसे इनका कहना है और ये भी आप कुछ देख सकते हो रेडी टू पार्टिसिपेट पार्टिस ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन ऑफ लवली स्वैप विद लवली यूवर्सिटी पेयर और लाइव नाउ एंड ऑन फिफ्टीन जून फिफ्टीन जून तक एंड भी हो जाएगा ये कुछ लवली स्वैप पर ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह अभी इनके चल रहे हैं तो गई बात की जाए तो इनका बहुत ही जल्द एनिवर्सरी वो कब है तो आप सभी लोग जानते ये को। यानि कि ये लो कुछ ना कुछ हो तो यानी कि अपने एनिवर्सरी के टाइम पे कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि हर बात का इनका है कि आ, एन पूरे साल ये बैठे रहते हैं। और जुलाई के टाइम पे कुछ ना कुछ करते हैं ताकि हम लोग टोकन का हाल बना रहे बट आप सभी लोग जानते हो कि उससे भी हम लोग कोई तक नहीं है जान किसी लोगों ने उस चीज़ एनिवर्सरी के टाइम पे प्रॉफ़िट अर्न किया होगा बाकी लोग तो इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद डंप हो जाता है और प्रॉफ़िट हम लोग अर्न भी नहीं कर पाते क्योंकि जब आ, असली में लिस्टिंग्स वगैरह होने लग जाती है तब एक एक बिल्कुल वन परसेंट का भी पम्प नहीं होता और ऐसे शुरुआत में पहले थोड़ा बहुत होना होता है तो वो हो जाता है तो गाइस आखिर क्या है यानी कि आपको आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार कोई पम्प करेगा भी तो इस बार अगर एनिवर्सरी में कुछ ये अपडेट्स लाते भी हैं तब भी मेरी तरफ से तो यही होगा कि आप एक भी पैसा मत लगाना इस बार ये तो आप खुद समझदार हो आप तो वैसे भी इस बार पैसा नहीं आई थिंक बहुत से लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि दो साल से हम लोग धोखा खा चुके हैं तो बात रही कि आ, इस बार अगर कोई अनाउंसमेंट वगैरह आती भी है वो तो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका जो पिछला इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बहुत रिकवर हो हम लोग वो निकाल लें बस इतना सा बात है क्योंकि आ, आगे हम लोग को इसमें पम्प होने का कोई चांसेस दिखते हैं नहीं तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा और एनिवर्सरी में अगर इस बार कुछ भी होता है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी तो अभी फ़िलहाल में तो इस टोकन के रिलेटेड कुछ नहीं है आप सभी लोग जानते हो कि एक साल तक ये टोकन शांति से बैठा रहता है कुछ अपडेट्स नहीं आती बस साल में एक महीना एक ऐसा आता है जिसमें इसमें अपडेट्स आती है तो वो महीना बहुत ही जल्द आने वाला है तो तब भी इस बार कोई एक्साइटमेंट तो हम लोग को है नहीं क्योंकि हम लोग सभी तो जानते हैं हर बार की तरह ऐसी धोखा देगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और जैसी कोई अपडेट आती है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ